अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। डीएम त्यागराजन ने किया रामशिला एवं प्रेतशिला वेदी स्थलों का निरीक्षण। नगर निगम आयुक्त को उन्होंने दी कई दिशा निर्देश। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पितृपक्ष मेला 2022 के सफल आयोजन हेतु उन्होंने पिंडदान वेदियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रामशिला एवं प्रेतशिला वेदी स्थल का मुआयना किया। मुआयना के दौरान उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को कई विकासात्मक टिप्स दिए, क्योंकि मेला का समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और तैयारी मुकम्मल तरीके से करनी है, जिसके लिए उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें। DM त्यागराजन ने कहा कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला का आयोजन 9 सितंबर से 25 सितंबर तक निर्धारित है। इस दौरान पितृपक्ष में बड़ी संख्या में पिंडदानी गया पहुंचते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए गया पहुंचते हैं। पितृपक्ष मेला के सफल आयोजन के लिए सभी व्यापक कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करा लेने का दिशा निर्देश दिए। रामशिला वेदी के निरीक्षण के दौरान DM त्याग ने सरोवर के गंदे पानी को देखते हुए नगर निगम को निर्देश दिया कि तालाब के गंदगी को जाल के माध्यम से छानते हुए साफ करवाएं। साथ ही साथ उन्होंने कार्यपालक अभियंता PHED को भी सरोवर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्देश दिया, ताकि गंदे पानी आसानी से निकल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बोरिंग के माध्यम से शुद्ध पानी तालाब में डालने का कार्य करें। श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए सरोवर के चारों ओर लोहे की रेलिंग को मरम्मत करा दें, ताकि किसी प्रकार का कोई हताहत ना हो। उन्होंने जिला आपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रामशिला सरोवर में नाव सहित SDRF की टीम को प्रति नियुक्त करें। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गया नगर निगम को निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र के कुल 8 तालाब ऐसे हैं जहां पिंडदान तर्पण हेतु अधिक संख्या में आते हैं पिंडदानी। उन सभी तालाबों में SDRF टीम तथा पर्याप्त संख्या में गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की जाए। सभी तालाब के चारों ओर बैरिकेडिंग करने का भी कार्य किया जाए, जो सुरक्षित होगा। रामशिला वेदी चढ़ने वाले सीढ़ियों के समीप टूटे फूटे टाइल्स तथा नाले के ढक्कन को मरम्मत करवाने हेतु निर्देश दिए। पेयजल हेतु प्याऊ तथा पर्याप्त संख्या में शौचालय निर्माण तेजी से करवाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। प्रेतशिला वेदी निरीक्षण के दौरान स्थानीय पुरोहित द्वारा बताया गया कि प्रेतशिला में पानी की अत्यधिक समस्या है, जिसे ध्यान में रखते हुए PHED विभाग द्वारा किसान कॉलेज में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। कार्यपालक अभियंता PHED ने बताया कि प्रेतशिला में पूर्व में 11 टॉयलेट बनाए गए हैं, इसके साथ ही 10 अतिरिक्त टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ स्नानागार के चारों ओर अस्थाई घेरा देने का भी कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को निर्देश दिया कि प्रेतशिला के समीप आदि कहीं रास्ता अतिक्रमण में है तो उसे अतिक्रमण बाद चलाते हुए अतिक्रमण मुक्त करावें। इसी दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि रामशिला प्रेतशिला तथा अन्य महत्वपूर्ण वेदियों के समीप रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था रखें। निरीक्षण के पश्चात जिला पदाधिकारी ने जिला आपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला अवधि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त SDRF की टीम को
प्रतिनियुक्ति किया जाए, इसके लिए विभाग को पत्र प्रेषित करें। इस दौरान डीएम त्यागराजन ने कहा कि अधिकांश यात्री पैदल ही मेला क्षेत्र में घूमते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए तेजी से सड़क को रीस्टोर करावें ताकि सड़क जर्जर ना रहे, बिल्कुल सड़क दुरुस्त हो। थैंक यू।